नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नीचा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर में छात्रों ने किया पढ़ाई से बहिष्कार, कहा बिजली नहीं तो पढ़ाई नहीं। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के उसका बाजार अमृतलाल महाविद्यालय में बच्चों ने पढ़ाई से बहिष्कार किया और कहा बिजली नहीं तो पढ़ाई नहीं। विद्यालय के वाइस प्रधानाचार्य जितेंद्र नाथ मिश्र ने बताया कि महाविद्यालय में बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद भी 6 महीने से ऊपर हो गए। कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से बात हुई, बार बार कहकर टाल देते हैं और बिजली विभाग द्वारा सप्लाई नहीं दी गई, जिससे बच्चों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं। गर्मी का सीजन व्यतीत होने के बाद ठंडक में कोहरे की वजह से कमरे में अंधेरा हो गया, जिससे बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कत हो रही है। इसी को लेकर विद्यालय के सभी बच्चों ने पढ़ाई से बहिष्कार कर विद्यालय प्रांगण में धरना दिया। जो अभी बिजली की कटौती के संबंध में तमाम जगह से सूचनाएं आ रही हैं, ऐसे उसका ब्लॉक के अंतर्गत एक अमृतलाल महाविद्यालय है, वहाँ पे कुछ बच्चों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है और कई महीनों से जो है वहाँ बिजली जुड़ा नहीं, क्या कारण है? देखिए, अभी उसके बारे में बिजली क्यों नहीं मिली इनको, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में। हमने अभी से आपके सामने ही बात किया है और पूछिए क्या स्थिति है। उनका कनेक्शन है तो बिजली मिलेगी, और दूसरी चीज़ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, नहीं मिल पा रही, कोई फॉल्ट आ गया किसी कारण, तो उनको SDO से बात करना चाहिए, JEE से बात करना चाहिए, एक्सेल है यहाँ पे बात करना चाहिए। उसके अलावा ये लोग ही नहीं सॉल्व कर पाते, मैं जहाँ मुख्यालय पे मुझसे बात करना चाहिए कि उन सप्लाई मिल रही है, तो सप्लाई अगर कोई दिक्कत हो उनको दिला दिया जाए, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तभी नहीं मिल पा रही, अदरवाइज सप्लाई उनको मिलेगी। सर, ये सरकार के द्वारा जो बच्चों ने ये मुद्दा उठाया है, बहिष्कार किया है, इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की है? इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा जो 3 महीने पहले जो है मीटर विद्युत विभाग वाले आके लगा के चले गए हैं और उन्होंने कनेक्शन नहीं जोड़ा। अब लगातार जो है XCN से JEE से बराबर कहा जा रहा है, लेकिन वो पूरी उसको जो टालते चले जा रहे हैं, आज लगा देंगे कल लगा देंगे। कितनी बार जो है हमारे यहाँ के लोग गए वहाँ पे, लेकिन वो अभी तक उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, पानी पीने की समस्या आ रही है, ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत समस्या क्रिएट हो रही है। लेकर आपने जो बहिष्कार किया, किन मुद्दों के तहत आपने पढ़ाई के लिए कर रही थी? जी सर, हमारे स्कूल में लाइट ना होने के कारण से हमें गर्मी में बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण से हमारे स्कूल में मतलब अंधेरा अंधेरा लगता है, पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और बहुत से हमारे हम लोग को लाइट के बिना तकलीफें उठानी पड़ती है। हम लोग ने प्रधानाचार्य से इसकी शिकायत की थी, एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग बहुत दिन से बेहाल है इसके लिए से, इसलिए हम लोग ने को लेकर आप लोगों ने जो बहिष्कार किया है, किस वजह से आपने पढ़ाई को लेकर बहिष्कार किया? यहाँ पे बिजली की समस्या है, इसीलिए पढ़ाई में समस्या होती है, और बिजली के और पानी की समस्या भी होती है। नहीं, आपने बहिष्कार किया है, किन किन मुद्दों के तहत आपने पढ़ाई को लेकर बहिष्कार किया है? हमारे विद्यालय में लाइट की कमी होने की वजह से हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, और अच्छे से जब पढ़ाई नहीं होती है तो नंबर भी नहीं अच्छे से आते हैं, तो इससे हम लोग को आगे मतलब बढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से लाइट की कमी से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने जो पढ़ाई को लेकर बहिष्कार किया है, किन मुद्दों और किन समस्याओं के तहत आपने पढ़ाई से बहिष्कार किया है? हम लोग के विद्यालय में ऐसी कमियां हैं जिसके कारण हम लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि लाइट की कमी और पानी की कमी, और हम लोग के कमरे में अंधेरे, और क्योंकि मीटर लगा हुआ है उसमें कनेक्शन जोड़ा नहीं गया है, किसी शासन करने नहीं दे रहा है कोई, कई साल से हम लोग परेशानियाँ झेल रहे हैं। विषय ऐसे ही झेलने में हम लोग को पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, नंबर भी कम होते जा रहे हैं, कुछ कई दिनों से हम लोग ये परेशानियाँ झेल रहे हैं, और हम लोग के टीचर भी परेशान हैं, बस कोई। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।